हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रही है सुबह के 9:30 और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। सुबह में मैंने नाश्ता बनाकर सबको करा दिया है और हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस और मैं भी लग गई हूँ अपने कामों में। और अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। मैंने दूसरे रूम में भी बेडशीट चेंज कर लिया है, सोफ़ा भी साफ़ कर लिया है। और अब इस रूम में भी बच्चे खेल रहे थे तो उन लोगों को मैंने दूसरे रूम में भेज दिया है। और इधर मैं बेडशीट साफ़ करने आ गई हूँ, मतलब बेडशीट चेंज करने आ गई हूँ। यहाँ से मेरी रूटीन शुरू हो जाती है सुबह की। नाश्ता के बाद मैं लग जाती हूँ अपने कामों में, ये सब घर के साफ़ सफाई करने में। ये छोटे छोटे काम में भी बहुत टाइम लग जाते हैं। और इधर बच्चे भी खेल रहे थे और मैं जितने भी बेडशीट निकले थे सबको मैं मशीन में लगा दूँगी। और यहाँ पर ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे धुले हुए, तो इसको भी मैं तह लगा के रख दूँगी। और बच्चे भी सारे सामान खिलौने सब फैला के रखते हैं, वो सबको समेटना साफ़ करना बहुत सारा काम रहता है सुबह सुबह में। इस कमरे में भी मैंने बेडशीट चेंज कर लिया है, यहाँ पर बच्चे ने खेलकर थोड़ा बिखेर दिए हैं तो मैं इसको भी ठीक कर लूँगी। और यहाँ पर बच्चों के नहाने के लिए मैं कपड़ा भी रख दे रही हूँ, मेरा काम सब हो जाएगा तो मैं लोगों को भी नहला दूँगी। और यहाँ पर पेपर वगैरह भी बिखरे हुए थे तो मैं उनको भी समेट लूँगी। और ये देखिए दोनों बच्चे आगे पीछे चल रहे हैं। और जब मैं पोछा लगा रही थी तो लोगों को मैंने चौकी पर बैठा दिया था। देखिए छोटकू कैसे रो रहा है। और इधर मेरा पोछा हो गया है था तो दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है, नहला धुला कर दोनों को तैयार कर दिया है। और अब मैं भी नहा लूँगी। और अब मैं आप लोगों से नहा कर मिलती हूँ। तब तक प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें कुछ अगर कमी है तो वो भी बताइए। और अब मैं नहा कर आ गई हूँ, थोड़ा तैयार हो लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया है और एक बिंदी लगाया है। मैं ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ डेली, और बालों में मैं कंघी कर लेती हूँ। और बालों में कंघी करने के बाद मैं क्लेचर लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे बनाने जाना है लंच। और बाल को जब समेटूँगी नहीं तो वो खाना में आने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा बाल को समेट लेती हूँ। आजकल पता नहीं क्यों इतने बाल झड़ते हैं, सर्दियों में तो ज़्यादा झड़ते हैं और मेरे तो बहुत बाल झड़ते हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रही है
सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी तक मेरा सारा काम हो गया है, नाश्ता वास्ता हो गया है, बच्चे को भी नहा धो लिए हैं और चलिए अब खाना बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी लंच बनाने के लिए। मैंने सुबह में बनाया था आलू मटर की सब्ज़ी, तो अभी अभी बचे हुए हैं तो इसको मैं एक अलग बाउल में खाली कर लूँगी और सेम कढ़ाई को मैं धुल कर बैठा दूँगी। और यहाँ पर मैं लंच में बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल, दाल और रोटी। और हमारे घर में कुछ गेस्ट लोग भी आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी खाना बना रही हूँ। और इधर दोनों बच्चे भी खेल रहे हैं, दोनों भी मेरे साथ साथ रहते हैं, जहाँ पर मैं काम करते रहूँगी वहीं पर ही दोनों भी रहते हैं। तो मैं यहाँ पे छुटकू के हटा दूँगी क्योंकि अब खाना बना रही हूँ तो तेल के छींटे पड़ सकते हैं, इसलिए स्लैब से मैंने नीचे उतार दिया है। और ये मैं आलू बैंगन की सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ। और जब तक ये भून रहा है तब तक मैं इधर दाल सब सारी तैयारी कर लेती हूँ। और इधर मैंने दाल की भी तैयारी कर ली है, इधर दाल भी बैठा देंगे तो साथ साथ ये भी बन जाएंगे। जो गेस्ट लोग आ रहे हैं उनमें से एक जन की फास्टिंग भी है तो उनके लिए साबूदाना की खीर बना दूंगी क्योंकि सब लोग खाएंगे और वो नहीं खाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं उनके लिए साबूदाना का खीर बैठा दूंगी। और ये मेरा आलू बैंगन का सब्जी बन गया है, इसमें मैं पानी लगा दिया है, ये भी धीरे धीरे धीमे थापे होते रहेंगे। और ये देखिए मैंने साबूदाना का खीर बनाने के लिए इंडक्शन पे बैठा दिया है, इसमें खौलते हुए दूध में मैंने साबूदाना को धोकर डाल दिया है और इसको मैं चलाते रहूँगी, चलाते हुए इसको पकाते रहूँगी। और ये इसी तरह धीमे ताव पे पकते रहेंगे और बीच बीच में मैं इसे चलाते रहूँगी। और ये देखिए मेरा खाना बन चुका है तो अब मैं बच्चों को खिला देती हूँ। बच्चे ने सुबह में रोटी खा लिए थे तो इस वक्त वो लोग रोटी नहीं खाते हैं, तो लोगों को मैंने सिर्फ चावल दाल और सब्ज़ी खिलाया है, दोनों बच्चे इसमें खा लेंगे। और जब तक बच्चे खा रहे थे तब तक ये मेरा साबूदाना आधा से ज़्यादा हो पक गया है, तो अब मैंने इसमें चीनी को भी चुन बीन कर डाल दिया है और अभी ये पकेंगे और तब तक इसमें चीनी भी घुलते रहेंगे। और इसके बाद इसमें मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी, मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने इलायची को तोड़कर और उसमें क्रश करके मैंने डाल दिया है। और अब इसी तरह थोड़ा देर और पका के चलाते हुए पका लेंगे। और आप लोग कैसे बनाते हैं साबूदाना व्रत में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बस यही थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को हमें बताइएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।